नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका पूछता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आम जनता पर आफत बनकर ये बारिश बरस रही है। पहाड़ों पर बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच उत्तराखंड में बारिश की वजह से जहां नदी नाले उफान पर है, तो वहीं लगातार हो रही लैंडस्लाइड की वजह से कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए हैं, बाधित हो गए हैं। फिलहाल मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी करने के साथ ही गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई है। इसी बीच उत्तराखंड के कई इलाकों से भयावह तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, जिस दौरान बारिश का कहर गिरते देखा जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में हो रही बारिश की वजह से रविवार रात नंदानगर क्षेत्र में नंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया, जिसकी वजह से नदी का पानी कई घरों में घुस आया और लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को मजबूर होना पड़ा। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की हम बात करें तो बारिश से आफत बनकर बरस रही है। देहरादून के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से पानी भर गया है, जिसकी कई तस्वीरें सामने आई है, जिसमें भारी बारिश की वजह से देहरादून के माल देवता इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होते साफ देखी जा रही है, जिससे आम जनजीवन काफी त्रस्त हो गया है। वहीं निचले इलाकों में बने घरों के अंदर पानी पहुंच गया है। वहीं एसडीआरएफ के प्रवक्ता ने बताया है कि एसडीआरएफ की टीमें सभी जगहों पर बचाव कार्य में लगी हुई है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही ऋषिकेश में भी कल रात से हो रही बारिश की वजह से इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। ऋषिकेश में आईडीपीएल, श्यामपुर, गुमानीवाला, खारा सूत्र में बारिश के पानी से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। मेरे सहयोगी सुभाष कौड़ ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं, जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की, वो आपको तस्वीरें दिखाते हैं। दूसरी तरफ मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों पर पहुंचे हुए, वहां पर हालात कैसे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। देर रात से हो रही उत्तराखंड के तमाम इलाकों में बारिश के बाद राजधानी देहरादून में भी लगातार हो रही बारिश के बाद अब ये कहा जा सकता है कि राजधानी देहरादून से सटा क्षेत्र माल देवता में भी जो बारिश है वो आफत बनकर आई है। और ये आप देख सकते हैं, माल देवता क्षेत्र है जहां देर रात से आई बारिश के बाद लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हालांकि जो ये आप नदी देख रहे हैं, ये नदी का मुख्य मार्ग नहीं है, नदी का मुख्य मार्ग उस तरफ से बहता है, लेकिन क्योंकि बरसात इतनी ज्यादा हुई कि आपदा जैसी स्थिति माल देवता में बन चुकी है। और यही जानने के लिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो माल देवता पहुंची है। ये देख सकते हैं, माल देवता का एक प्राइवेट रिसोर्ट था जहां नदी ने अपना रुख बदला और इस रिसोर्ट के अंदर पानी घुस गया। आप देख सकते हैं पार्किंग में लगी एक गाड़ी भी इस रिसोर्ट में धस चुकी है पानी की वजह से, और पूरे रिसोर्ट के अंदर पानी भर चुका है, यानी कि जो गाड़ियां इस रिसोर्ट के अंदर थी वो दब चुकी हैं। जो लोग इस रिसोर्ट के अंदर थे उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। और कुल मिलाकर माल देवता क्षेत्र में एक बार फिर ये कहा जा सकता है कि आपदा जैसी स्थिति बन गई है। ये माल देवता का मुख्य चौक है जहां से टीरी के लिए जाते हैं, चंबा के लिए जाते हैं, धनौल्टी के लिए जाते हैं और कद्दूखाल के लिए जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं पहाड़ी से बरसात के बाद इतना मलबा आया कि पूरा जो मार्ग है पूरी तरीके से बंद हो चुका है। और एसडीआरएफ और तमाम जो विभाग हैं वो मौके पर पहुंचे और देर रात से लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी ये जानने की जरूरत है कि राजधानी देहरादून के वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में इस तरीके की आपदा आई, और उस आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकार प्रशासन किस तरीके से लोगों की मदद कर रहा है। ये आपको दिखा रहे हैं, पहाड़ों में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी को भी आपने देखा, सुभाष ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे जहां पर हालात भयावह बने हुए हैं। उन्होंने एक तस्वीर आपको दिखाई है, देख कर मानो डर लग रहा है, नदी नाले इतने उफान पर है कि मानो सब कुछ बहाकर अपने साथ ले जाएंगे। लैंडस्लाइड से जगह जगह रास्ते बंद हो गए हैं, कई ये जो प्राइवेट संस्थान ये बताया जा रहा है ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जेसीबी के माध्यम से रास्ते खोले जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि बाढ़ बारिश की वजह से लोग बेहद परेशान हैं, लेकिन इस पर सियासत भी कम नहीं है, सियासत भी बखूबी हो रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए तमाम जो नेता हैं वो नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर कह रहे हैं कि आपके पास प्राकृतिक आपदा के बाद हालात जो खराब है उसे सुधारने के लिए कोई भी यहां पर तैयारी नहीं है। हालांकि तस्वीरें आप देखेंगे तो एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, लेकिन पार्किंग में खड़ी गाड़ियां लोगों की पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रही है, कई जगह बादल फट रहे हैं, आसमानी आफत एकदम कहर बनकर बरस रही है, जिसकी चपेट में कई घर, कई मकान, कई ऐसे रिजॉर्ट हैं जो आ चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान तो हुआ ही है, जनजीवन बेहद प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है।
तो बाढ़ बारिश की वजह से हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पर राजनीति भी बखूबी हो रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र वाल्मीकि जी मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। शीषपाल बिष्ट जी मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से। हेमा भंडारी जी मेरे साथ जुड़ी हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से। आप तीनों का बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, हालात बद से बदतर, प्राकृतिक आपदा, लेकिन हमेशा से ही ये आरोप लगते रहे हैं कि जब भी ऐसा बरसात का मौसम आता है उससे पहले तैयारियां नहीं की जाती। देखिए, ये कहना बिल्कुल सरासर, मैं साफ कहूंगा कि झूठ होगा, ये आरोप है खाली। देखिए, मैं बिल्कुल एकदम बिल्कुल सच्चाई से बताऊंगा बात, क्योंकि मैं खुद जो है स्वयं ये सारी चीजें देख के आया हूं जिन जगहों की आप बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, बड़ी सफाई से मैं बताऊंगा कि मेरी थानों से ऊपर मेरी स्वयं की बहुत सारी जमीन है जिसपे मैं कभी कभी विजिट करने जाता हूँ। अदरक लग रही है इस समय, बहुत बढ़िया दालें और अदरक। तो मैं परसों ही वहां गया था, मैं देख के हैरान था, मैंने पहली बार ऐसे देखा। 20 साल से है मेरे पास जमीन जहां खेती होती है, दाल होती है, अदरक होती है। NDRF की टीम, आपदा प्रबंधन की टीम, जगह 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 JCB मजदूर और अधिकारी कर्मचारी वर्ग के लोग लगातार गाड़ियों में जगह जगह थे, और लगातार बारिश थी, क्योंकि मैं स्कूटर से गया था, टू व्हीलर से। आपदा है, बारिश ने वाकई में बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा की है, लेकिन राज्य सरकार ने माननीय धामी जी के निर्देश में लगातार लोगों को किसी प्रकार की कोई हानि ना पहुंचे, जान की कम से कम नुकसान हो, ऐसा करने के लिए लगातार टीमों की प्रबंधन बनाया हुआ है जो लगातार लोगों के बीच में है कि किसी भी प्रकार की किसी को क्षति, जानिए क्षति ना हो, और कम से कम नुकसान हो। अगर कोई मैंने कई जगहों पे देखा कि जो पानी का बहाव अगर किसी घर की तरफ या मकान की तरफ है तो उसको सही किया जा रहा है JCB लगा के। तो ये कहना कहीं ना कहीं गलत है कि तैयारी नहीं गई है। तैयारी बराबर है, पहले से तैयारी थी, इसीलिए जगहों पर जगह जगह जो है हमारी आपदा प्रबंधन की टीम खड़ी हुई है, क्योंकि बारिश ज्यादा है, अधिक बारिश होने के कारण ये स्थिति है, और ये हमेशा से रहती है। पहाड़ी क्षेत्र चाहे कोई भी हो, जितना भी हो, चाहे हिमाचल हो, कश्मीर हो, हिमालय क्षेत्र पे लगती हुई जितने ये रीजन है, जितने ये जगहें पड़ती है, इन पे दिक्कत रहती है कहीं ना कहीं, लेकिन सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इसको देख के कहीं ना कहीं जो लोग हैं, आप अगर लोगों के बीच में भी जाएंगे तो आपको बताएंगे स्वयं की किस प्रकार का प्रबंधन सरकार ने किया हुआ है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। रविंद्र जी जवाब ले लेते हैं। शीषपाल जी हमारे साथ बने हुए। शीषपाल जी, रविंद्र जी से मैंने सवाल किया कि हमेशा से आरोप लगते रहे हैं सरकार पर, विपक्ष आवाज उठाता रहा है कि प्राकृतिक आपदा हर साल हम देखते हैं कि पहाड़ी इलाकों में होती है, लेकिन उससे पहले तैयारी जो होनी चाहिए वो तैयारी नहीं होती। भाजपा ने भी वो तैयारी नहीं की, लेकिन भाजपा साफ तौर पर कह रही है कि जगह जगह पर JCB तैनात है, अधिकारी मौके पर मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं, मजदूर वहां पर मौजूद है, NDRF SDRF की टीमें मौजूद है, जितना हो सके उतना कोशिश की जा रही है कि किसी की जान ना जाए, जितना हो सके उतना कम नुकसान हो। देखिए काजोल नाजरानी जी, भाजपा के प्रवक्ता की मजबूरी मैं समझ सकता हूँ, वो जो बखान कर रहे हैं वो आपदा के बाद की परिस्थितियां, और मालदेवता में जो ये घटना घटी है, जहाँ के विजुअल जो है गॉड साहब जीरो ग्राउंड पे जाके दिखा रहे थे, आपको याद होगा काजोल जी की आप ही चैनल पे बैठ के पिछले साल जो है बरसात में हमने चर्चा की थी, उसी घाटी में जो है पिछली बार आपदा आई थी, और उस घाटी में जो है जो ऊपर मकान के मलबे में जो है एक परिवार दब गया था, आज तक उनके सब नहीं ढूंढे जा सके। ये तो सरकार की आपदा की तैयारियां थी, लेकिन आज जहां पर उस मालदेवता घाटी में जो जून डिफेंस एकेडमी की बिल्डिंग गिरी है वो उसी पॉइंट में मौजूद है जिस रिसोर्ट के विजुअल आप दिखा रहे थे, जहां पिछली बार भी पानी भरा हुआ था, पिछली बार भी आपदा के हालात थे। तो भाई उससे हमने क्या सबक लिया आप बताइए, उन लोगों को वहां से हटाया क्यों नहीं गया आप बताइए, फिर हम किस आपदा का निमंत्रण दे। इसका मतलब कि प्रशासन की मिलीभगत से सब कुछ हो रहा है। प्रशासन अगर सबक लेता, पिछली बार तो मुख्यमंत्री जी ने वहां पर जाकर के JCB में फोटो खिंचवाया था, आपने भी अपने चैनल पर दिखाए थे, मैं भी वहां उस समय मौजूद था, तमाम परिस्थितियां ऐसी थी। आखिर हम घटनाओं से सबक क्यों नहीं ले रहे? आप देखिए कि जोशीमठ
आज हमारे सामने उदाहरण है, वहां पर साल भर पहले से जो है जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति धरना प्रदर्शन कर रही थी, सरकार को चेता रही थी, हम सबक नहीं लिए। फिर जब वहां पर मकानों में दरार आ गई उसके बाद कह रहे हैं कि साहब हम जो है तमाम कार्य कर रहे हैं, उनसे भी वहां के लोग संतुष्ट नहीं है, उस पर आज जाना नहीं चाहता। दूसरी घटना आपको मालदेवता के बाद काजोल जी बताना चाहूंगा, गोरीकुंड में केदारनाथ में कितनी बड़ी आपदा आई सबने देखा, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, बड़ा भारी विषय। लेकिन गोरीकुंड में जहां पर ये 23 लोगों की मृत्यु हुई है, जो अभी तक जो है उनमें से ढूंढे जा रहे हैं, केवल कम ही लोग मिले हैं, वो बिल्कुल उस जो है गदेरे में है जहां पर हम आपदा झेल चुके थे। आखिर कौन परमिशन दे रहा है, कौन वहां की मॉनिटरिंग कर रहा है? ब्यूरोक्रेसी की लापरवाही के उदाहरण ये कुछ लोग। अब ये देखिए कि अगर बारिश जा रही होती देवी आपदा एक अलग चीज होती है और प्रशासनिक लापरवाही दूसरी चीज होती है। ये प्रशासनिक लापरवाही के माल देवता की हम बात करें जहां पर देर रात से भारी बारिश हो रही थी, तो क्या ये प्रशासनिक लापरवाही है या प्राकृतिक आपदा इसे माने गया? नहीं नहीं, देखिए मैंने काजोल जी आपको कहा कि पिछले साल भी जो है वहां पर आपदा आई थी और बादल घाटी ही उस घाटी का नाम है, वहां लगभग हर साल आपदा आती है। आखिर हम उसे सबक क्यों नहीं ले रहे? जब पिछली बार हमने बड़ी त्रासदी वहां पर देखी, तमाम होटल रिसोर्ट बह गए थे, फिर जिन रिसोर्ट्स की और उस गिरती हुई बिल्डिंग के फोटो आप देख रहे हैं वो तो वहां पर पिछली बार भी उसी जद में थे। भाई हमने उनको हटाया क्यों नहीं वहां से? आखिर प्रशासन तब तो बड़े बड़े दावे कर रहा था कि बिल्कुल इसमें जो खतरे की जद में नदी में जो अतिक्रमण किया गया है, जहां पर हर साल ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है और जो नदी नाले हैं जो प्राकृतिक आपदा की वजह से उफान पर होते हैं उनके पास बिल्कुल इस तरह के इंस्टीट्यूट, इस तरह की इमारतें क्यों बनाई जा रही है, ये सवाल है कांग्रेस का। ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास शिषपाल जी। हेमा भंडारी जी भी हमारे साथ बनी हुई है। हेमा जी, प्राकृतिक आपदा लगातार पहाड़ी इलाकों में कहर बरपा रही है। आज ही हिमाचल प्रदेश में इतनी दुखद भरी घटना हो गई है, लेकिन उत्तराखंड में भी हम लगातार देख रहे हैं। अभी गौरीकुंड का जिक्र किया था सर ने, शिषपाल बिष्ट साहब ने, रविंद्र जी भी लगातार बता रहे हैं कि हाँ घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जितना हो सके उतना कम नुकसान हो। लेकिन एक पॉइंट उठाया है शिषपाल जी ने कि ये वही इलाका है जहां पर पिछले साल भी इमारतें गिरी थी, मलबे में कई लोग दबे थे लेकिन उनके शव भी नहीं मिल पाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर इमारतें खड़ी हो गई एक साल के अंदर अंदर। काजोल जी, जिस तरह से कि उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ पर जैसे कि 22 साल हो गए हैं और यहाँ की जल जंगल जमीन को हम बचा नहीं पा रहे हैं, जिस तरह से ये दैवीय आपदा आई है, सबसे पहली बात तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि जिस तरह से दैविक, लेकिन जब पहले से मानसून विभाग द्वारा पूर्वानुमान था कि इस बार मानसून सत्र में ज्यादा बारिश होगी, तो उससे पहले सारे इंतजाम होने चाहिए थे। और आज जिस तरह से ये मौतें हुई हैं, मतलब करोड़ों का नुकसान हो गया है, 60 लोगों की मौत हो गई है और वो भी 15 जून से अब तक की आंकड़ा जो बताया गया है, 17 लोग लापता हैं, तो ये बहुत ही दुखद है। और इसके कारणों पे, सबसे पहले इसके कारणों पे जाना चाहिए कि इस तरह की जो वो है उससे कैसे, क्यों ये हो रहा है और उसको कैसे हम मतलब बचाया जा सकता है उस पर कैसे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो लगातार जो अवैध खनन चल रहा है, जिस तरह से नदियों के साथ में, हमारी नदियों के साथ में अवैध खनन से सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ अवैध खनन है। और दूसरा कि यहाँ पर जो जिस बड़े बड़े रिजॉर्ट वगैरह जो बना दिए गए हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगे खड़ी कर दी गई हैं, लगातार एक के बाद एक विकास के नाम पर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं पहाड़ियों को, मतलब कमजोर पहाड़ियों पे उनको कमजोर करने का काम किया है विकास के नाम पे, जो निर्माण पहाड़ों में होने, सबसे पहले की जब आपदा आई थी केदारनाथ आपदा, उससे सबक लेना चाहिए था, लेकिन अब तक भी उस आपदा से किसी ने सबक नहीं लिया और प्रकृति से जिस तरह से छेड़छाड़ की जा रही है, तो ये परिणाम तो भुगतने ही पड़ेंगे। प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ वो करना, लगातार जल जंगल जमीन को, हमारी नदियों को अवैध तरीके से खनन करना, मतलब पूरी तरह से सरकार जो है इस अवैध खनन में तो नाकाम साबित हुई है, रोक नहीं पाई है। सबसे पहले उन्हें इस पे रोक लगानी चाहिए। और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि ये हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता रविंदर भाई जी कह रहे हैं कि नहीं वहां पर आपदा टीम है, ऐसे नहीं होता कि आपदा टीम आप खड़ी कर दो तो उससे उनको राहत मिलेगी या वो मिलेगा। आप पहले से कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं? आप अवैध खनन में जो क्यों आप खनन माफियाओं को इतनी पनाह देते हैं, क्यों
उन पे मंत्रियों का हाथ रहता है, उनको रोक लगाइए आप तभी, और इतना इतना करोड़ों का नुकसान। और हम तो कहते हैं अपने यहाँ जो है मुख्यमंत्री धामी जी से अपने कि जो जाएं और केंद्र सरकार को भी इसमें आगे आके कम से कम जो जितना मुआवजा हुआ है 30,000 करोड़ से आर्थिक सहायता तो उत्तराखंड को देनी ही चाहिए, ठीक है, और उनको भी आना चाहिए। देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं, इस विषय में उन्हें भी बोलना चाहिए, उन्हें भी आगे आना चाहिए। ठीक है हिमा जी। रविंद्र जी, एक बार फिर से सवाल निशान खड़े हो रहे हैं कि पहले ही क्यों तैयारी नहीं की जाती है, शीशपाल जी का भी जवाब दीजिएगा। और एक और सवाल ये है कि अवैध खनन जो नदियों का सीना चीरा जा रहा है, अवैध खनन वहां किया जा रहा है, उस पर रोकथाम के लिए हम देखते रहे सरकार भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं, जिनके संरक्षण की वजह से जो माफिया है वो लगातार अवैध खनन कर रहे हैं, उसकी वजह से नदी नाले जब प्राकृतिक आपदा आती है उफान पर आते हैं, और उफान पर आने की वजह से जो आसपास के इलाके हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के काल अवैध खनन का काम कभी नहीं होता। देखिए मैं सीधा रूप से मैं आपको बताता हूँ, आप इसे जो मर्जी कहिए, क्योंकि मैं सीधे रूप से इससे जुड़ा हुआ हूँ। क्यों जुड़ा हुआ हूँ? मैं ट्रांसपोर्ट नगर में बैठा हूँ और मैं जिस तरीके का व्यवसाय करता हूँ मुझे पता है कि अवैध खनन कहाँ होता था, कब होता था। देखिए कांग्रेस के काल में जिस कदर से अवैध खनन हुआ वो भाजपा के समय में नहीं होता, भाजपा के कार्यकाल में। और यही कहीं ना कहीं दर्द इनको है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अब की सहधारा रोड पे आईटी पार्क में बड़ी जबरदस्त पानी आया, उसके कारण बहुत सारी गाड़ियां ऑफिस तबाह हुए। अब आप अगर आपको ज्ञात होगा आईटी पार्क जिस जगह पे बना है वो किसी समय पे सूखी हुई नदी थी और नदी अपना रास्ता छोड़ती नहीं है। आप बताइए कि जिस प्रकार से विकास की बात करते हैं, आप कहते हैं कि इसे हटाइए, आईटी पार्क कहाँ बना हुआ है, किसके काल में बना है? इनसे अगर कोई सवाल करे तो अभी ये उल्टा आ जाएंगे कि आप पीछे जाके देखते हो, नेहरू जी को कोसते हो और इन्हें देखते हो। तो भाई जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा, आप हमें ना बताइए कि क्या किया। और रही बात जिस प्रकार से जोशी मठ का मुद्दा ये हर बार उठाते हैं, जोशी मठ का मुद्दा आज का नहीं है, जिस समय ये रिपोर्ट दी गई थी राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश था। और कईयों को तो आपके दर्शक देखने वालों को, और कई ऐसे भी होंगे, मैं स्वयं आपको काजोल जी कहता हूँ, आपका शायद जन्म भी नहीं हुआ होगा जब ये रिपोर्ट आई थी, लेकिन दबा के कांग्रेस की सरकार उसे बैठ गई, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। उन्होंने कहा जी जैसा निर्माण हो रहा है चलने दो चलने दो चलने दो। और देखिए सौभाग्य से जिस समय वो रिपोर्ट आई थी दीक्षित कमीशन की, जब 1974 या 76 की बात है, और जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, अविभाजित उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश में हम होते थे, उसी नया प्रदेश बनने के बाद वही मुख्यमंत्री उत्तराखंड के थे। एक बड़ा मैं माननीय हमारे जो बड़े नेता माननीय नरेंद्र तिवारी जी की बात कर रहा हूं, मैं चाहते तो एक बड़ा कांग्रेस उसमें काम कर सकती थी, लेकिन तिवारी जी तो काम करना चाहते थे, लेकिन इनके जो पीछे से लोग थे जो उनकी टांग खिंचाई करते थे, शायद कहीं ना कहीं उनको काम करने में बाधा किया या क्या हुआ। तो आप ये समझिए कि जोशीमठ का मुद्दा हो चाहे कई तरीके के जो निर्माण इन्होंने किए, जो सही तरीके से हो सकते थे, मैं आईटी पार्क का अभी इसी साल का है, आपने भी दिखाया, ये तो जिक्र हो गया कि पहले की सरकारों ने ठीक तरीके से काम नहीं किया, कांग्रेस ने सही तरीके से काम नहीं किया, आपने ये आरोप लगा दिया है। मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी देहरादून से पासी है बिल्कुल मालदेव का, और ऋषिकेश में भी लगातार बारिश हो रही है, तो यहाँ पर नदी नाले जो उफान पर है, जो तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ, आप तो खुद भी गए थे, आप कह भी रहे हैं, तो इसके यहाँ ज्यादा नुकसान ना हो इसको लेकर सरकार ने कैसी तैयारी कर ली है? क्योंकि हरिद्वार में भी हम देख रहे हैं कि बाढ़ बारिश की वजह से बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। बहुत शॉर्ट में बताइएगा, फिर मैं शीशपाल जी का रुख करूंगा। बिल्कुल सही बात है, सॉरी मैं थोड़ा पानी पीऊंगा। आप ठीक है सर, आप जवाब दीजिएगा, मैं जब तक शीशपाल जी का रुख कर लेती हूं। शीशपाल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अनम्यूट करिएगा सर, अनम्यूट। के प्रवक्ताओं के पास जो है जवाब होता नहीं, अनर्गल बातें करते, कह रहे साहब जोशीमठ की आपदा जो है उसमें एनडी तिवारी
कश्मीर जिम्मेदार हैं, जिस रिपोर्ट का ये हवाला दे रहे हैं तब एनडीए जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने जो वहाँ के स्टेक होल्डर थे, सिंचाई है, पेयजल है, पीडब्ल्यूडी है, उनको निर्देशित किया था वहां पर काम करने के लिए। और उसके बाद तो सपा बसपा भाजपा लगातार जो है शासन में, ठीक है कांग्रेस ने गलती की तो आपने सुधारा क्यों नहीं भाई, और अभी सुधार दी तब तो 6 साल से आप राज्य की सरकार में है, मतलब ये जिम्मेदारी लेना नहीं जानते, केवल जो है कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ करके ये अपने कर्तव्य की इति श्री समझते हैं। और अभी आईटी के पार्क का बात कर रहे थे, अरे आईटी पार्क पे जो है ज्यादा बारिश के कारण इस बार वहां पर अगर हुई तो भाई 6 साल से आप हैं, आप वहां पर प्रोटेक्शन वाल क्यों नहीं खड़ी कर रहे हैं, आप ही कर देते, अगर हमसे गलती हुई तो आपको जनता ने इसीलिए तो वोट दिया ना कि कांग्रेस ने गलतियां दी तो आप उसको सुधार सके, लेकिन आप जो है उस गलती पर जो है कब तक वोट मांगेंगे भाई, ये प्रदेश की जनता भली भांति तरीके से समझ रही है और जो विकास जिसके दौर में है वो भी प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। माल देवता में पिछली बार ही जो है इतनी बड़ी आपदा आई, मुख्यमंत्री जी वहां पर मौके पे गए, जेसी में फोटो खिंचवाए, बड़ी बड़ी घोषणा करके आए, फिर आपने वहां पर क्या काम किया यही तो मैं लगातार पूछ रहा हूँ, फिर क्यों वहां पर कुछ जो है कि नदी के बीच में डिफेंस एकेडमी खड़ी हुई है जो आज ध्वस्त होकर गिर गई, भाई इनको क्यों वहां से हटाने का काम नहीं किया। आज तो गनीमत मैं परमात्मा का धन्यवाद कर रहा था कि आज किसी कारण से वहां पर बच्चे नहीं थे, वहां पर तो जो है डिफेंस एकेडमी चलती है, तमाम बच्चे वहां पर रहते हैं और जो रिसोर्ट के विजुअल मतलब बड़ा हादसा हो सकता था, पिछली बार हम उस विजुअल में गए थे, हाँ बड़ा हादसा हो सकता था और उस रिसोर्ट में भी जो है जो जल भराव की स्थिति है पिछली बार भी वही स्थिति थी, तो स्थितियां नहीं बदली भाई, आपने उपाय क्या किए, आपने जो है क्या जो है वहां पर सबक सीखा, तो आप सबक नहीं सीख रहे हैं, लगातार कोसने से काम नहीं चलेगा, अगर हमारे अनुभव में कोई चीज आ रही है तो भाई उस अनुभव के बाद वहां पर अगर जो वहां की मशीनरी है वो अगर रिजल्ट नहीं दे रही है तो कहीं ना कहीं तो खामी है ना सिस्टम में, तो सिस्टम सुधारना पड़ेगा क्योंकि लोगों के जान माल की बात है, ये प्रदेश के किसी भी हिस्से में लगातार जहां पर भी ये घटनाएं हो रही होंगी काजोल जी आप देखिए कि वहां पर जो प्रोटेक्शन का फार्मूला है वो नहीं अपनाया जा रहा है, ये घोर लापरवाही के कारण है। आज जो है जो आप देखिए कि ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाला हाईवे कितनी जगह से कितने कितने सौ मीटर बावा है उसकी गिनती करने भी मुश्किल हो रही है, केदारनाथ हाईवे का ये हाल है, यमुनोत्री हाईवे का ये हाल है और कोटद्वार तो बिल्कुल जो है प्रदेश से कटा हुआ है, वहां तो दर्जनों जगह से जो है सड़क जो है बाधित हो गई है, तो क्यों ये हालात हो रहे हैं, क्योंकि जो मिनिमम कटिंग और मैक्सिमम प्रोटेक्शन का फार्मूला था वो नहीं अपनाया जा रहा है, जो एजेंसियां यहाँ पर आकर काम कर रही हैं, जो ठेकेदार काम कर रहे हैं वो जो है राज्य के बाहर के हैं, गुजरात और महाराष्ट्र की जो कंपनियां बेतरतीब और मनमाने तरीके से काम कर रही हैं, उस कारण ये लापरवाही हो रही है। एक सवाल हेमा जी से, हेमा जी क्या जिम्मेदार सरकार है कि प्राकृतिक आपदा इतना कहर बरपा रही है, क्योंकि हमने जमीन का सीना छलनी कर दिया है, हम जंगल लगातार काटते जा रहे हैं, नई नई फैक्ट्रियां जो लग रही है जहां रोजगार तो कम मिल रहा है लेकिन प्राकृतिक आपदा की वजह से पहाड़ पूरी तरह से खोखले हो रहे हैं। बिल्कुल सरकार, बड़ा दुख होता है मुझे, मैं डिबेट में बैठी हूँ और लगातार जब एक दूसरे पे आरोप लगते हैं इस आपदा की घड़ी में भी कि उनकी सरकार ने नहीं किया था, तो अब उनकी सरकार में ऐसा हुआ था, लगातार जाने जा रही है 211 से ज्यादा सड़कें जाम है पहाड़ों की, ये गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे वहां यात्री फंसे हुए हैं और यहाँ पर जिस तरह से उसमें ये कि उसपे क्या उपाय होने चाहिए या क्यों ऐसा हो रहा है उसपे ना जाके और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, तो बड़ा दुख होता है ये सब देख के। और जैसे कि हम इसीलिए सख्त भू कानून की मांग की जाती है कि बाहर से लोग आके यहाँ पर बड़ी बड़ी रिजॉर्ट बना लेते हैं, बिल्डिंगे खड़ी कर देते हैं, और अभी देखिए जस्ट अभी 2 घंटे पहले की आपके रिपोर्टर ने भी दी होगी वहां पर ऋषिकेश में भी देखिए कितना पानी राम झूला में आ गया है, और हमारे यहाँ पर जो हरिद्वार में है हर की पेड़ के नीचे के पार्किंग पूरी डूब गई है, मतलब इतना ज्यादा हर जगह से नुकसान हो रहा है, आपदाएं आ रही है, और यहाँ पर बैठे जो भाजपा के प्रवक्ता है तो ये एक बार कह दे कि हाँ अवैध खनन की वजह से ये हो रहा है, ये बोलने को ही तैयार नहीं होते कि हाँ अवैध खनन हो रहा है, लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं बिल्डिंगों के नाम पे, विकास के नाम पे जो पेड़ों का कटान हो रहा है, लगातार जल जंगल जमीन को खत्म करने का काम किया जा रहा है, उत्तराखंड की प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है, ये कारण है कि जो ये दैवीय आपदा आई है उसको रोक नहीं पा रहे हैं। और दोबारा जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी दोबारा नौबत ना आए, जो केदारनाथ जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, ना लिया गया तो बहुत बड़ा नुकसान, सबक लेने की बहुत जरूरत है, नहीं तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है रविंद्र जी,
आरोप एक के बाद एक लग रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी जो करती है वो कांग्रेस को सुनाने का काम करती है, कांग्रेस के शासनकाल में ये हुआ, लेकिन अब जो हुआ उसको सुधारने का विकल्प ढूंढने की कोशिश भाजपा नहीं करती है। नहीं देखिए, मैंने कहा था कि मैं जैसी कोई बात याद दिलाऊंगा ये तुरंत हमारे पे ये इल्जाम लगाएंगे कि आप हमारे को जो है ये नेहरू जी और इस पे और उस पे पहुंच जाते हैं, तो ये बताना पड़ेगा भाई। देखिए, जो व्यक्ति अपने पूर्व की गलतियों को भूल जाता है वो आगे कभी सुधर नहीं पाता। तो जो पूर्व में आपने गलतियां की है उसको तो आपको बताना पड़ेगा ना, उसका जवाब तो आप ही देंगे। आज जिस प्रकार से देखिए, मैं बताऊं, कांग्रेस के काल में दिनों में नहीं महीनों में रास्ते बंद होते थे कनेक्टिविटी क्षेत्रों में। आज कुछ घंटों में आपदा प्रबंधन टीम इतनी एक्टिव हो रखी है कि कुछ घंटों में रास्ते खोलने का काम कर दिया जाता है। जान माल की कम से कम नुकसान हो, ऐसा अधिकारियों को और ऐसा एनडीआरएफ को, ऐसा आपदा प्रबंधन की टीमों को निर्देश है। अब प्राकृतिक रूप से अधिक बारिश होने के कारण इस पे तो किसी का जोर नहीं है, ना ही हमारा है ना आपका है। सेम बारिश आप देखिए हिमाचल में हो रही है, हिमाचल में देखिए कितना नुकसान है, कितना नुकसान हुआ है। सेम बराबर बारिश हो रही है यहाँ पे और वहां पे, लेकिन यहाँ पे इतना जबरदस्त प्रबंधन होने की वजह से, या भगवान का शुक्र मनाए हम या हमारे ऊपर कि जिस प्रकार से हम अपने आप को जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेफ करे हुए हैं हमारे लोगों को। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नुकसान नहीं हो हमारा, हुआ है, लेकिन कांग्रेस की अभी तुलना करने के लिए है हमारे पास, हमारे पड़ोस का राज्य। तैयारी की है रविंद्र जी, हमने क्या तैयारी कर ली है, क्योंकि अभी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले समय में तेज बारिश और ज्यादा हो सकती है, तो हमने क्या तैयारी की है कि आगे कोई ज्यादा नुकसान ना हो। बारिश होने के ऊपर अलर्ट सबके मोबाइल के माध्यम से सबके पास था। आपदा प्रबंधन को निर्देश है, ऐसी जगह चिन्हित करके खड़ी हुई है टीमें। आप अपने, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आप अपने रिपोर्टरों के माध्यम से दिखाइए कि ऐसी जगहों पे कुछ मीटर कुछ किलोमीटर की दूर में आपदा की टीमें खड़ी हैं और वो तुरंत एक्टिव हो जाती हैं। अगर जहां पे भी अगर कोई ऐसा काम कुछ ऐसा हादसा या कोई ऐसी लगती है, आकांक्षा भी लगती है कि ऐसा हो सकता है, तुरंत सहायता के लिए टीमें खड़ी हैं। शिशपाल जी, रविंद्र जी ने जवाब दिया है कि आपदा प्रबंधन टीम पूरी तरह से तैयार है। देखिए काजोल जी, भाजपा के प्रवक्ता बड़ बोलेपन में ये सारी चीजें कहते हैं। मैं इनको गोरीकुंड की याद दिला दूं, कितने दिन हो गए हैं गोरीकुंड की आपदा को, आज तक जो है लोगों के शव नहीं ढूंढे जा सके हैं उस मलबे में से। तो ये है आपदा, आपका आपदा प्रबंधन, लगातार लोगों की जाने जा रही है, हजारों यात्री फंसे हुए हैं, स्थानीय जो है जनता इतना परेशान है कि लोग ना तो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पा रही हैं। तो आपका आपदा प्रबंधन कहीं भी नहीं है, केवल आपकी बयानबाजी तक सीमित है। और राजधानी के आसपास अगर आपकी टीमें खड़ी भी हैं तो दूर दराज में, आप ये पर्वतीय प्रदेश है जनाब, आप हरिद्वार के लक्सर के लोगों को जो है सहायता नहीं पहुंचा पाए, जहां मुख्यमंत्री जी भी एक दिन के लिए गए थे, आज भी लक्सर के लोग आज मेरे पास यहाँ आए थे, कह रहे थे साहब हमें तो खुद के जो है वो लगा करके जो पंप होते हैं बड़े बड़े, तब जाके पानी निकालना पड़ रहा है, सरकार की ओर से कोई मदद नहीं हो रही है, हम जो है कई कई दिन हो गए हैं 15-15, 20-20 दिन अपने घरों में नहीं जा पाए। ये स्थिति है हरिद्वार की, मैदान की। आप ये पर्वतीय प्रदेश है काजोल जी, पहाड़ का दर्द तो आप पर हम कितनी नहीं समझ सकते, जो वहां के लोग जो रह रहे हैं उनसे पूछे कि उनके जो है किस तरीके की परिस्थितियों में वो रह रहे हैं। चलिए ठीक है, रविंद्र जी, शिशपाल जी, रेमो भंडारी जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बाढ़ बारिश का कहर लगातार पहाड़ी इलाकों में जारी है, जिसकी वजह से नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है। जहां सरकार कह रही है कि हम पूरी तरह से अलर्ट है प्राकृतिक आपदा को लेकर, आपदा प्रबंधन टीम जगह जगह पर तैनात है, तो वहीं विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि भले ही सरकार कुछ भी कह ले, लेकिन प्राकृतिक आपदा के बाद जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसे रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले समय में मौसम और ज्यादा खराब हो सकता है। ऐसे में न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया भी आपसे अपील करता है कि अपने आप को सुरक्षित रखें, जितना हो सके उतना घर पर ही रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।